गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दिस इज निशा एंड यू आर वाचिंग देवभूमि हिमाचल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज जो है मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए जो है आप लोगों के सामने आई हूँ, और वो अनाउंसमेंट ये है कि देखिए, हमने HP टैट पे जो सीरीज़ को शुरू किया है, ठीक है, अभी आपके पास HP टैट के लिए लगभग 1.5 से 2 महीने का समय बचता है। आई होप कि इतने में हम अपनी जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमने इसमें टारगेट रखा है कि हर सब्जेक्ट को टच करते हुए चलेंगे, और जो भी आपके HP टैट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी 1 से 1.5 हफ्ता जो है हमें पढ़ते हुए हो गया है, और अभी तक जो है हमने साइकोलॉजी पे 4 से 5 वीडियोस आई थिंक अपलोड कर, और उसके अलावा जो है इंडियन हिस्ट्री पे भी 3 से 4 लेक्चर हो गए हैं। अभी हमारे पास ज्योग्राफी बचता है, और उसके अलावा जो है थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी हम करेंगे बीच में, और साइंस के भी कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चंस भी आते हैं 4 से 5, तो वो भी हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है हमारे पास अभी इंग्लिश बचता है और HP GK, ठीक है। HP GK पे देखिए, अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट डाली है, डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाके जो है एक एक डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। बाकी HP ज्योग्राफी को लेकर और HP का जो बाकी फेयर एंड फेस्टिवल्स है वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं करेंगे। बाकी अगर आपको हिस्ट्री पे डिटेल वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी प्लेलिस्ट का, ओके। और HP GK को भी हम कवर करेंगे। इसके अलावा हमने साइकोलॉजी तो शुरू कर ही दी है। तो मुझे एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि मैम टाइमिंग बता दीजिए कि कब से लेकर कब तक जो है हमने कौन सा सब्जेक्ट करना है। तो मैं अभी यही सोच रही थी कि ऐसा कुछ रखते हैं, क्योंकि मुझे भी बीच में लगता है कि पहले हमने हिस्ट्री से शुरू किया और 4-5 लेक्चर करने के बाद हिस्ट्री को छोड़कर हम साइकोलॉजी पे आ गए, ठीक है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने सोचा है कि चलिए थोड़ा एक शेड्यूल बनाया जाए कि किस तरह से चीज़ें करनी है। तो अभी तक जो है हमने हिस्ट्री के 4-5 लेक्चर कर दिए हैं, 5 से 7 लेक्चर्स में आपकी हिस्ट्री को मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी लंबी बन जाएगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए आपको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है, आपको इससे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि वीडियो लंबी है वीडियो छोटी है। जिसने पढ़ना है वो तो पूरी देख ही लेगा, ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ना है उसके लिए तो फिर क्या ही बोल सकते हैं। तो हिस्ट्री जो है अगले 5 से 7 लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगी, ठीक है, उसके लिए मैं 1 हफ्ते का टाइम रखती हूँ। 1 हफ्ते में आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, और साइकोलॉजी के लिए भी आपके पास 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, 1 हफ्ते से ज़्यादा ही टाइम लग सकता है। इस हफ्ते जो है हम साइकोलॉजी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी ही कर लेते हैं। संडे की छुट्टी रहती है, आपको पता है, तो मेरी भी छुट्टी ही होती है, ओके। तो संडे को वीडियो नहीं आती है, मंडे टू सैटरडे जो है हर रोज़ शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में आपको एक वीडियो मिल जाता है, ठीक है। कई बार जो है वीडियो जल्दी अपलोड हो जाती है, और कई बार जो है 8 से 20 ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जो वीक रहेगा हमारा नेक्स्ट वीक से जो है हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी को अभी हमने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है, तो अगले हफ्ते से जो है हम ज्योग्राफी करेंगे। और अगले हफ्ते का ज्योग्राफी का मैं शेड्यूल आपको बता देती हूँ कि मंडे को जो है हम इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं आपकी इंडिया की, ठीक है, उनको करेंगे, क्योंकि रिवर्स में से ना क्वेश्चन आता ही आता है। मैंने देखा है हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपको रिवर्स में से पूछा ही जाता है, या फिर ओरिजिन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, या फिर ये पूछा जाता है कि कौन सी रिवर जो है किसकी सहायक रिवर है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो मंडे को जो है हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, सबसे पहले हम रिवर्स करेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये का सोलर सिस्टम है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें जो है हम उसके बाद करेंगे। 1 हफ्ता ज्योग्राफी करने के बाद हम पॉलिटिकल साइंस पे आएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं, जो कि HP आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो फिर हम पॉलिटिकल वाले सेक्शन पे आएंगे, और पॉलिटिकल जो है हम 1 हफ्ता करने के बाद, फिर उसके बाद जो है हम हिस्ट्री पे मूव करेंगे, और 1 हफ्ता फिर हम हिस्ट्री को देने के बाद, देखिए मैंने इंग्लिश जो है ना आपके लिए थोड़ा लास्ट जैसे में रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं ना वो इंग्लिश पढ़ने से थोड़ा डरते हैं, ठीक है, और उनका मानना है कि इंग्लिश जो है वो जल्दी याद भी नहीं होती है, और अगर अभी मैं आपको इंग्लिश करवा देती हूँ तो जब तक आपका HP टैट आएगा तब तक जो है आप सब कुछ भूल चुके होंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि इंग्लिश जो है हम लास्ट में करेंगे, ताकि आपको जो है थोड़ा याद रहे वो चीज़ें, ताज़ी ताज़ी पढ़ी हुई आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो इंग्लिश जो मैंने लास्ट के लिए रखा हुआ है, उसके अलावा जो साइकोलॉजी और जो आपका GK वाला सेक्शन है वो हम कंप्लीट करेंगे। बीच में जो है हम HP GK भी करेंगे। 1 हफ्ता जो है हम 1 से 1.5 हफ्ते में हम इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके हिमाचल प्रदेश से बनते हैं उनको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका जो शेड्यूल बनाना चाहती थी मैं,
क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता यार कि बीच में आपकी साइकोलॉजी की वीडियो आ रही है, फिर कोई कमेंट करता है कि मैम ज्योग्राफी की डालिए, फिर मैं ज्योग्राफी की डालने लग जाऊँ, फिर कोई कमेंट करेगा मैम इंग्लिश की डालो, फिर मैं इंग्लिश की डालने लग जाऊँ, तो फिर इस तरह से चीज़ें जो है ना थोड़ा मैसी मैसी सी हो जाती हैं। तो मैंने सोचा है कि एक एक हफ्ते का टाइम रखते हैं, एक हफ्ते ज्योग्राफी करेंगे, एक हफ्ते हिस्ट्री करेंगे, एक हफ्ते साइकोलॉजी करेंगे। इस तरह से जो है हमने अपना जो सिलेबस है वो डिवाइड कर लिया है। ठीक है, आपके पास 1.5 से 2 महीने का समय है, इतने में जो है हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो, आपके कोई क्वेश्चंस हो, ठीक है, तो आप जो है मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप मेल कर सकते हैं। उसके अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। और मैंने सोचा है कि आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, किसी एक दिन मंडे को जो है हम लाइव सेशन रखेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी क्वेरीज होंगी एचपी टैट से रिलेटेड या फिर किसी और एग्ज़ाम से रिलेटेड, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो लाइव सेशन हम रखेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कब तक जो है हम लाइव सेशन रखें अपना। तो बस फिलहाल इतना ही, और इस तरह से आपका जो शेड्यूल है वो बन चुका है। रोज़ शाम को 7 से 8 बजे के बीच वीडियो आता है, देखना हम ना भूलिए। और एचपी टैट के लिए अच्छी से तैयारी कीजिए, इस बार जो है आपका एचपी टैट क्रैक हो जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी साइकोलॉजी की वीडियो। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, हेरिडिटी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक स्टैटिक फैक्टर होता है, ठीक है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। आपके जीन्स के द्वारा जो है वो आपको कुछ गुण जो है वो अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी आंखों का जो रंग है वो आपके मम्मी पापा की आंखों के रंग के तरह हो सकता है। ठीक है, और आपका जो हेयर कलर है, ठीक है, आपके बालों का जो कलर है वो भी आपके पेरेंट्स के बालों के कलर पे हो सकता है। और आपकी जो इंटेलिजेंस है और आपका जो टेम्परामेंट है, ये चीज़ें भी जो है हेरिडिटी फैक्टर में आती हैं। ठीक है, और अगर एनवायरनमेंट की मैं बात करूं तो ये डायनामिक फैक्टर है, ये जो है चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट को जो है हम चेंज कर सकते हैं, बट जो हेरिडिटी फैक्टर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो चेंज नहीं होता है। ओके, फिर हम देखते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पे क्वेश्चन आता है कि टोटल कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, तो टोटल होते हैं आपके 46 क्रोमोसोम्स। अगर पेयर की मैं बात करूँ तो 23 पेयर आपके होते हैं। ठीक है, और 23 पेयर्स में भी आपके जो 22 पेयर्स हैं वो आपके ऑटोसोम होते हैं, जबकि 23rd जो आपका पेयर है वो आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, ये जो 23rd आपका पेयर है, इससे आपका जो सेक्स है वो निर्धारित होता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो ये 23rd पेयर है जो कि आपका सेक्स क्रोमोसोम है, बाकी 22 पेयर्स जो है वो आपके ऑटोसोम है। ठीक है, अब हम देखते हैं मेल और फीमेल के लिए। देखिए, मेल में आपके एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, और जबकि फीमेल में जो है एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। और एक्स क्रोमोसोम और फीमेल का जो एक्स क्रोमोसोम है, जब वो दोनों मिलते हैं तब आपके जो है तब एक बेबी गर्ल का जन्म होता है। ठीक है, और अगर मेल का वाई क्रोमोसोम और फीमेल का एक्स क्रोमोसोम जो है वो आपस में मिलते हैं तो उसकी एक बेबी बॉय का जन्म होता है। ठीक है, ये तो शायद आपको पता भी होगा, 10th में भी हमने साइंस में ये चीज़ पढ़ी हुई है। फिर देखते हैं हम ट्विंस। ट्विंस पे भी क्वेश्चन बनता है कि कितने टाइप्स के ट्विंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, क्या होता है, चलिए देखते हैं। ट्विंस जो है आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, सेकेंड होते हैं आपके फ्रेटर्नल ट्विंस। देखिए, जो आइडेंटिकल